बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा दिनों से एक पॉइंट आपके माइंड में रहता है, जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पास कर लेते हैं, पेपर दे देते हैं, तो हमारे माइंड में आता है सेकेंड सेमेस्टर के बारे में कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। ठीक है, उसके बाद में जब हम सेकेंड सेमेस्टर भी पास हो जाते हैं और पेपर हमारा हो चुका है, ठीक है, पेपर भी हमारा हो चुका है, तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ सर। अब मैं कौन से सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ, और बताइए अब मैं क्या पढ़ूँ, अब मैं क्या पढ़ूँ, कि मैं पेपर में कितना परसेंटेज, जो हम बोलते हैं ना 85% प्लस का जो आपसे वादा करते हैं, उस लिस्ट से बढ़कर भी मुझे लाना है, मतलब कि मुझे टॉपर लिस्ट में आना है। ठीक है, तो टॉपर लिस्ट कैसे? टॉप 10 में आएंगे आप, कुछ संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आ सकते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, बिगर संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला। तो संघर्ष जो पहले से करता है वो टॉप 10 में आता है, जो जल्दी करता है वो, इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे पेपर में छपेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। पेपर से पहले 2 दिन पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, आपको पता है, और वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये भी आपको पता है। चलो पहले तो हम बात करेंगे, एक पेपर ही लेके आया हूँ जो थर्ड सेमेस्टर का है। मैं सभी क्वेश्चनों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सब सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो, साइंस के भी ले लो कोई भी, एनीवे जैसे कि सोशल साइंस वगैरह हो गया, या फिर आपके जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिर या फिर आपके ई कॉमर्स वगैरह जो भी है, थर्ड सेमेस्टर में जितने भी मतलब जो भी आपका होगा बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, हाई स्कूल इंटर वालों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, और भी जितने भी हैं। एक बात और आपसे बता दूं, हमारी एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगी, उस पर आपके जितने भी ये चीजें हैं उन क्वेश्चनों के आंसर सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप देखेंगे सबसे अलग, सबसे बेहतरीन हम लोग रहेंगे। और क्योंकि हमें टॉप 10 में आना है तो मेहनत हमें स्टार्टिंग से करनी होगी, समझ रहे हैं ना? अब देखो क्या करना है, हमें ध्यान से देखो, हमने ये हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर बनाया है, मैंने अपना खुद से बनाया है, याद रखना बहुत मेहनत की है, बहुत 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक ये एक एक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने में, लेकिन इसको मैंने समझाने में और आपको देने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट का आपको दे देता हूँ कि भाई ये पढ़ लो, समझ रहे हैं ना? लेकिन मेरी मेहनत कितनी आप सोच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको भी देख कर वीडियो बनाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी पहले की बना रखे हैं लोगों ने, तो ये चीजें कुछ नहीं है, वो ये मायने नहीं रखते, बस आप ये देखिए हमारे ऑफिशियल चैनल से ही पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको कुछ नया ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। बाकी एप्लीकेशन भी एक लॉन्च हो जाएगी हमारी पेपर हैकर ऑफिशियल के नाम से, जो हम लगभग में 2 अक्टूबर को हम लॉन्च करने वाले हैं, 2 अक्टूबर हमारा टारगेट है, ठीक है, 2 अक्टूबर को हम लोग उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का टारगेट रखा है। तो फिलहाल भगवान के दुआ से वो सब कुछ ठीक होगा जिस तरीके से हमने सोचा है, और आप भी 2 अक्टूबर को ही जितने भी हमारे कोर्स लॉन्च होंगे वो सभी में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि हम आपको सबसे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर, इन क्वेश्चनों को कैसे याद करेंगे शॉर्ट में, वो सब तरीके हम वहाँ आपको मेंशन करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वहाँ PDF वगैरह सब कुछ, आपको लेक्चर वगैरह सब कुछ फ्री दिए जाएंगे, ठीक है, जो आप एक बार कोर्स को ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद में वो सब कुछ आपका फ्री हो जाएगा जो भी उस पर पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देख लो, जैसे कि आप BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपका पेपर का नाम हो जाता है हिस्ट्री ऑफ मॉडल मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया, ठीक है, तो ये जो आपका देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, जो आपका 1757 से लेकर 1950 तक की जितनी भी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं वो इसमें ही आपको पूरा भर रखा है, कि भैया 1757 से लेकर 1950 तक की जितनी भी दुर्घटना घटित हुई है हिस्ट्री के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर, पूरे इसके अंदर मेंशन कर रखी है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग मेंशन याद करेंगे, थर्ड सेमेस्टर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के 2023 या फिर 22 में आने वाले क्वेश्चन जो आपके हैं, 22-23 का जो भी पेपर होगा उसमें जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसकी बात करूंगा। कुछ यूनिवर्सिटी 23 में ये कराएंगी और कुछ यूनिवर्सिटी 22 के दिसंबर तक ही करा सकती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 22-23 के थर्ड सेमेस्टर का याद रखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो यही पेपर छपेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब ध्यान से देख लो, देखो
पहला क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपके पास बुक नोट्स कैश पेपर वगैरह लेके आए हो मार्केट तो टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेके आए हो तो जरूरत नहीं है यार, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हमारी एप्लीकेशन जैसे तैयार होगी, सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ इन क्वेश्चनों के आंसर पीडीएफ वगैरह सब कुछ, इनके लेक्चर किस तरीके से इसको याद करना है शॉर्ट में वो सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो अभी बस ये देख लो कि आप थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं, जो यूरोपीय कंपनी थी उन कंपनियों का आगमन, मतलब वो कैसे आई थी भारत के अंदर, बताइए वो कैसे आगमन हुआ था, वो हमारे भारत में उनकी एंट्री कैसे हुई थी। यार हमारे इंडिया की तो मॉडर्न की बात करने वाला है, इंडिया हिस्ट्री के बारे में। अब हमसे पूछ रहा है कि यूरोपीय जो कंपनियां थी वो हमारे भारत में उनका आगमन कैसे हुआ था, वो कैसे आई थी, बताओ वो किस तरीके से हमारे भारत में राज करने लगी। अब ये 1950 से पहले की बातें हैं सब कुछ, 1757 से लेकर 1950 तक की, कैसे आई थी उनके बारे में डिस्कस करना है। वो डिस्कस कैसे करेंगे, हम अपने लेक्चर में करेंगे, पीडीएफ बनाकर देंगे आपको, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही जल्दी। आपको खुशखबरी भी दूंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, लगभग 2 अक्टूबर को हम लोग करेंगे पूरा मीटअप, ठीक है, बढ़िया तरीके से, चिंता मत करो, क्योंकि हम कुछ नया करेंगे 2022 कुछ नए करने के लिए बनी है आपकी भी। अब देखो दूसरी कंपनी, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कहेगा ब्रिस्ट, जो आपकी ब्रिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आपको क्या पूछ रहा है कि आरोहण, आरोहण का वर्णन करो, आरोहण के बारे में आपसे पूछेगा कि जो ब्रिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आरोहण का पर वर्णन करो, आरोहण का वर्णन करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में एक है देखो आपको पता होगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था वगैरह, ठीक है, बक्सर वगैरह है उनके बारे में उनका वर्णन करो या उसका क्या प्रभाव पड़ा था जब युद्ध पड़ा था, तो इट्स इफेक्ट के बारे में। बहुत छात्र कहते हैं सर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, अब मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉम्बो करके बनाया, देखो अच्छा है, टाइम लगता है यार हर चीज को, तो 2 से 3 घंटे लगे हैं इसको बनाते हुए। उसके बाद में देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेंगे, आपके गैस पेपर भी छपेंगे ना, तो समझ लीजिए जो मैंने बनाया है इसके अलावा कुछ और नहीं देगा, कुछ और नहीं देगा, याद रखना। ठीक है, अब इसके ही वो बंदा शॉर्ट दे देगा, इसके लॉन्ग दे देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं देगा। यहाँ कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, कब से कब तक कह रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो अपने क्षेत्र में विस्तार किया था, इंडिया में जो फैली थी जगह जगह, वो कब से कब तक का बता रहा है, उसका आपको वर्णन करना है 1770 से लेकर 1856 तक जो उन्होंने फैलाया था, इधर उधर अपनी शाखाएं फैलाई थी उनके बारे में डिस्कस कर देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये भी समझ लो कोई भी मॉडल पेपर कोई भी राइटर छापेगा ना तो यही क्वेश्चन देख के छापेगा, पक्का बता रहा हूं मैं, इससे बाहर कुछ नहीं छापेगा। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने। अब देखो यहां कह रहा है, एक है रणजीत सिंह, आपने देखा होगा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, मतलब कि रणजीत सिंह थे जो उनके अधीन उनके अंडर में उस समय क्या था, पंजाब आया, तो उसने उस पंजाब को कैसे उदय किया, उदय कैसे किया, उदय का मतलब है उदय करने के साथ साथ उनका विजय कैसे प्राप्त की पंजाब पर रणजीत सिंह ने, और उसने जो प्रशासन किया उस प्रशासन के बारे में आपको डिस्कस कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपसे पूछेगा, 18वीं शताब्दी के या में हैदराबाद और जो मैसूर है उसका उदय या फिर उसका विकास कैसे हुआ था, कब, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का जो उदय हुआ था, जो विकास हुआ था वो कैसे हुआ था, इन शहरों का विकास हुआ है कैसे हुआ है, उत्पन्न कैसे हुए वो शहर, वो ही आपको यहां डिस्कस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो कृषि का व्यवसायीकरण पर वर्णन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनेगा, याद रखना ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, अभी बता देता हूं पेपर में भी ये क्वेश्चन शॉर्ट में छपेगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी ना मॉडर्न आए हैं ना किताबें आई हैं, सर आप कैसे बता सकते हो, मैं बोल रहा हूं पक्का यही आएगा, समझ रहे हैं ना, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा देख लेना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ही एक क्वेश्चन और बनेगा, इससे ही क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, किस पर, कृषि का व्यवसायीकरण पर, ये तो बन गया, इस पर टिप्पणी आपसे पूछेगा, साथ ही साथ कहेगा कृषि का व्यवसायीकरण का वर्णन करो, और साथ ही से पूछेगा कि भारत पर इसका प्रभाव क्या है, भारत पर इस चीज का व्यवसायीकरण का क्या इफेक्ट पड़ा है, इट इज इफेक्ट ऑफ इंडिया, इनके बारे में आपको बताना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहां से बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, ये बनेगा कि रेलवे का विकास और उसका प्रभाव आपको देख लेना है, क्या इफेक्ट पड़ा है रेलवे का। ठीक है, रेलवे का विकास कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन मतलब कि इसी बीच में हुआ होगा 1757 से लेकर
1950 के बीच में हमारे रेलवे चली है, तो चली तो है, उसका विकास तो हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट भी कुछ न कुछ इफेक्ट देखने को मिले होंगे उस समय। तो क्या देखने को मिले थे वो हम इन सभी क्वेश्चनों को बहुत बाखूबी से हम लोग अपने खुद से नोट्स बनाएंगे, आपको देंगे, बहुत शॉर्ट वाले जो आप एक बार पढ़े दो बार पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप याद हो जाएगा। इस तरीके से हम वो नोट शॉर्ट में बनाएंगे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, देखो एक है औपनिवेशिक काल के दौरान भूराजस्व प्रणाली, भूराजस्व प्रणाली थी उसका वर्णन करने के लिए पूछेगा, का स्थाई बंदोबस्त का वर्णन करो, पूछेगा कि भूराजस्व प्रणाली का स्थाई बंदोबस्त का वर्णन करने के लिए ये क्वेश्चन बनेगा, वो भी बनेगा लॉन्ग में, लिख लो लॉन्ग में छप रहा है, और अभी लिख के रख लोगे ना ये क्वेश्चन तो और बढ़िया रहोगे, समझ लो फटाफट टिक लगाओगे, गैस पेपर आएगा तो ऐसे करके टिक लगाओगे, भैया यही क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं। 1819 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, और आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में मेहनत इतनी करनी है कि टॉप 10 में आना है। जो आपके साथ वाले कहते हैं ना झूठ बोलकर, तो आप फोन करते हो कितनी परसेंट आई तुम्हारी, तो वो कहेगा 99% आई। अब तुम तो ये तो पता नहीं जमीन खिसक जाती है कि यार ये इतने ऐसे कैसे आ गए, ये 89% आई, 88% आई, और आपको कि यार मेरी तो 65% आई है, इसकी कैसे आ गई। तो वो जो झूठ बोल रहा है उसके जगह पे हम आएंगे, अब की उसके जगह पे हम आएंगे और उसको उसकी सबक सिखाएंगे कि तू कितना झूठ बोलता है। उसे कुछ कहना नहीं है कि तू झूठ बोलता है, हमें संघर्ष करना होगा, उसके झूठ को सच बनाना होगा हमें उसके जगह पे, समझ रहे हैं, वो करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यह है रेतवारी प्रणाली, एक रेतवारी प्रणाली थी, एक दूसरी उसी समय चली थी महलवारी प्रणाली, इन दोनों प्रणाली के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स पूछेगा, याद रख लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट किया है मैंने बेहतरीन तरीके से पूरे पेपर को। उसके बाद में है भारतीय, देखो ये देखा है भारतीय पुनर्जागरण के सुधार का वर्णन करना है, जो भारतीय पुनर्जागरण है इसके ऊपर एक टिप्पणी आएगी, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है, दोनों में पूछ सकता है, डरने की जरूरत नहीं है भाई। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि सत्ता का हस्तांतरण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर इसे कहते हैं सत्ता का हस्तांतरण, मतलब कि ट्रांसफर कर दी हमने पावर, अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरण कर दिया, किसी और को दे दिया। अब यहां कह रहा है नंबर एक, जैसे क्या कंपनी से कौन, हमारी एक कंपनी बनाई हमने और उसको हमने पावर किसको दे दी, कोई एक दूसरे कंपनी को दे दी, इसे कहते हैं काउन। तो आप कंपनी से काउन को हमने यदि पावर देंगे तो वो किस तरीके से दिएगी, तो यहां लिखा है क्राउन, लिखा है पावर टू क्राउन, ठीक है, तो कंपनी से क्राउन को हमने पावर दी है, कैसे, सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, इसमें ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां एक था लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, लॉर्ड कर्जन के बारे में और बंगाल के विभाजन के बारे में, इसको रट के चले जाना काम हो जाएगा, इसको रट के चले जाना आपका काम हो जाएगा, ठीक है, पक्का 100% पेपर छप रहा है। उसके बाद में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यह है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, जो औपनिवेशिक भारत था उसमें शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, एजुकेशन है वो, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आपको बताना है किस तरीके से हुआ है, और यहां बताया है क्रॉनिकल इंडिया के अंदर, ठीक है, बोला गया है औपनिवेशिक भारत के अंदर शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, किस तरीके से हम लोग शिक्षा बोलना पढ़ना सीखे हैं, बताओ वो यहां आपको बताना है। यार एक बार हम बता देंगे ना मनगढ़ंत कहानी से बताएंगे, जैसे हम बोल रहे हैं इस तरीके से आपको याद हो जाएगा और पक्का वैसे लिख के आना काम हो जाएगा आपका, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संघर्ष जरूर करना होगा, मेहनत करनी होगी, हमारे साथ जुड़ना होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां कह रहा है मॉर्ले मिडोर का सुधार, ये पढ़ सको तो पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा जब पेपर आएगा दो दिन पहले कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, फिलहाल देख लो अभी क्या है, क्या क्या इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 का वर्णन, दोनों पढ़ लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, दोनों देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखो खत्म हो गए क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है क्योंकि आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट किए हैं, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो संप्रभुता है उसका उदय कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, दोनों को याद कर लेना,
भारत में स्वतंत्रता के बाद जो कह सकते हैं रियासतों का विलय, रियासतों का विलय के बारे में आपको देख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आप सभी लोग जानते होंगे। बस इतना। अब आप सोचते होंगे इसमें शॉर्ट और लॉन्ग कौन से होंगे सर, इसके एमसीक्यू कैसे बनाएंगे, यदि हमारे पेपर में एमसीक्यू आने लगे तो यार इसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़िए, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है उस पर अपना एक छोटा सा मेंबरशिप ले लेना है, ताकि आप उस पर हमारे साथ जुड़कर अच्छी, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आप उस सब्जेक्ट को चूज कर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक बार हमें मौका जरूर दीजिए, आप सबको मौका देते हैं, एक बार हमें मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।